जय हिंद। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ, विदिशा की रहने वाली हूँ। और विदिशा का उदयगिरी जो है वो इतिहासकारों के लिए एक बहुत महत्व की जगह है। उसके अलावा यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो भी उदयगिरी गुफाएं देखने आते हैं। और उसका जो रास्ता है वो दुर्जनपुरा नाम की एक बस्ती से होकर जाता है, जहाँ हम किसी कारण से आए थे, किसी को मिलने आए थे। और वहाँ हमने देखा ये रामश्री बाई तिवारी जी का घर, जो बल्लियों पर टिका हुआ है। पता नहीं कब ये धराशायी हो जाए। इनका 7 सदस्यों का परिवार यहाँ रहता है। और जब इनसे थोड़ी बहुत यूं ही पड़ताल की तो पता चला इनके पास जो ये कार्ड है ये गरीबी की रेखा से ऊपर वाला कार्ड है। इन्हें गरीबी की रेखा के नीचे माना ही नहीं जाता, जबकि इनके परिवार की कोई आय का स्रोत नहीं है, किसी तरह ये जीवन यापन करते हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि एक तो ये मेरे विदिशा के एक परिवार की बात है, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये लोग प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम मेरा ये वीडियो अगर कलेक्टर विदिशा देखें या और प्रशासनिक अधिकारी जो इससे संबंधित है वो देखें, तो इस परिवार के पास आके खुद पड़ताल करें और आकर इनको, इनके लिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, जिसे ये लोग कुटी कहते हैं, वो दिलाएं, जिससे ये परिवार कम से कम सुरक्षित रह सके। क्योंकि किसी भी दिन ये छत ढह सकती है, अंदर तक इसका जो है वो घर पूरा खत्म हो सकता है। तो इस बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस पर अभी प्रशासन का ध्यान जाए, और जरूरत पड़े तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी ध्यान जाए। जय हिंद।